दिल्ली में जहरीले स्मॉग को लेकर एनजीटी के सख्त रुख का असर सड़कों पर दिखने लगा है। एनजीटी ने आज केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई, जिसके बाद जहरीले पोल्यूशन से बचाव के लिए सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीमें सड़कों के किनारे पेड़ों से लेकर डिवाइडर पर पानी का छिड़काव कर रही हैं, ताकि जहरीली हवा का असर कुछ कम हो सके। ये तस्वीर दिल्ली सचिवालय के पास की है, जहां पेड़ों पर पानी की बौछार की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को भी दोबारा लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत दिल्ली में 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। जो फैसला लिया है सरकार ने, उसको शुरू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल अभी इंक्रीज हो रहा है पूरे एनवायरनमेंट में, उसे रोकने के लिए एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और इसमें पिछली बार जैसे कि बहुत फर्क पड़ा था, इससे एटलीस्ट 20-30 या 40% अगर फर्क पड़ा था, वो भी आज के एनवायरनमेंट को देखकर वो स्टेप लेना मेरे लिए लगता है कि इसको लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनिशियली जब भी ये लॉन्च भी हुआ था, तब भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। कार इज नॉट द ओनली रीजन ना कि पॉल्यूशन है। हमारे पास फैक्ट्रीज भी हैं और ग्रीनरी की भी कमी है, एंड देयर अदर थिंग्स जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो मैं नहीं सोचता कि सिर्फ इसको कम करने से, क्या इतना पॉल्यूशन कम हुआ था पिछली बार कि ये रीजन दोबारा हो गया? मेरे ख्याल से सर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कल यहाँ का मौसम देखा होगा, कितनी ज्यादा फॉग क्या धुआं था सर, और कितना ज्यादा मतलब घुटन सी हो रही थी, आंखों में जलन कर रही थी। आज फिर भी मौसम नॉर्मल है, इतना आप इधर ही देख लीजिए ट्रैफिक कितना है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सही डिसीजन है ऑडी में, कुछ तो पॉल्यूशन में कमी आएगी। अभी जो स्थिति है दिल्ली में, इतना पॉल्यूशन है, तो इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर ये फैसला लिया गया और इसे आगे भी बरकरार रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है।